हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, जो कट ऑफ है काफ़ी सीट इंक्रीज हुई है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आज। और कट ऑफ इसके वजह से लो हो सकता है। आप अपने राज्य का देखिए, आपके राज्य में कितना सीट बढ़ा है। मैं एक लिस्ट तैयार किया हूं और उसके हिसाब से जो साइट पे अवेलेबल हो गया है, लेकिन अप्रॉक्स 6,000 के आसपास सीट जो है इस साल इंक्रीज हो रही है। तो ऑल इंडिया कोटा में फायदा पहुंचेगा, स्टेट में भी फायदा पहुंचेगा। सपोज आपके स्टेट में अगर सीट नहीं बढ़ी है, तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट पे आपको फायदा मिल सकता है। 15% सी जो सीट है उस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट? ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आइए डिटेल देखते हैं। पहली बात, 6,000 सीट बढ़ने से क्या स्टेट ऑल इंडिया कोटा जो कट ऑफ है वो कम रहेगा? और बस बिल्कुल, आपको पता है जब सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ लो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो मैं कल डिस्कस किया था, आप लोग देख भी चुके हैं, उसके वजह से बहुत सारे स्टेट हैं जो अच्छे परफॉर्म नहीं किए हैं, और वहाँ कट ऑफ मतलब जो 600+ वाले बच्चे हैं वो कम स्कोर किए हैं, मतलब पिछले साल के हिसाब से कम बच्चे हैं। तो इसलिए उसके हिसाब से भी कम कट ऑफ रहेगा, तो ये अच्छा है, गुड न्यूज है। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों, ये जो है लिस्ट मैंने तैयार किया है और ये फाइल है, ये देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेट में जो है सीटें बढ़ गई है। उत्तराखंड, ये गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए ये है गवर्नमेंट और ये है प्राइवेट। मैंने लिख दिया है कि कौन कौन सा कॉलेज है जहाँ पे सीटें बढ़ी है। उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एक गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ गया है और 100 सीटें इंक्रीज हुई है। और 100 सीट इंक्रीज होने से कम 5 मार्क्स का कट ऑफ नीचे जा सकता है, ठीक है? राजस्थान में एक गवर्नमेंट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज बढ़ी है, 250 सीट का फायदा हुआ है। और यहाँ देखें इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें 1,050 सीटें बढ़ी है। आप देख रहे हो दोस्तों, 9 गवर्नमेंट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज, 1,050 सीट। और इससे 10 नंबर से 12 नंबर तक कम जाएगा कट ऑफ पिछले साल से, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बिहार, बिहार के स्टूडेंट बहुत दिन से कोई कॉलेज नहीं बढ़ रहा था, यहाँ भी एक गवर्नमेंट कॉलेज और 2 प्राइवेट कॉलेज अप्रूव हो गया है और 400 सीटें बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों? अब आते हैं छत्तीसगढ़। मैं सिर्फ उस स्टेट का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ जो जिनके सीटें बढ़ी गई है, ठीक है? अब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट, टोटल 250 सीट बढ़ी है, ठीक है? और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक प्राइवेट कॉलेज बढ़ी है और 150 सीट इसके इंक्रीज हुए हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ गई है जिससे 200 सीटें इंक्रीज हुई है। कर्नाटका में एक प्राइवेट कॉलेज 150 सीट बढ़ी है। और बात करते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु बहुत बड़ी खुशखबरी तमिलनाडु के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, कम से कम 15 से 20 मार्क्स कम जाएगा, क्योंकि 2,350 सीटें बढ़ गई है। बहुत बड़ी यहाँ पे इंक्रीजमेंट आपको देखने की मिल रही है। 11 गवर्नमेंट कॉलेज और 6 प्राइवेट कॉलेज यहाँ तमिलनाडु में बढ़ी है, ठीक है? और 2,350 सीटें दोस्तों। अब आप मिले देखिए, और असम में एक गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ी है 100 सीट, मणिपुर में 150, ठीक है? अगर टोटल देखें तो 27 गवर्नमेंट कॉलेज 14 प्राइवेट कॉलेज, टोटल यहाँ 5,150 सीटें अब तक बढ़ चुकी है। लेकिन जो है संभावना 6,000 सीटें जो है इस साल बढ़ने जा रही है, और 6,000 का 15% आप जोड़ लीजिए, जिसपे आप उस स्टेट के नहीं है तभी भी 15% सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ हो सकता है इस रीजन से कट ऑफ कम जाए दोस्तों। तो होप जो है नहीं हारना है आपको, मॉपअप तक लड़ना है दोस्तों, ठीक है? और हम आपके साथ हैं, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे भी बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, और व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों? थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय।